झारखंड सरकार के 11 मंत्रियों के लिए 10 एकड़ भूमि पर बंगले बनाए जाने को लेकर झारखंड बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि हर मुद्दे पर फंड की कमी का रोना रोने वाली झारखंड सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए 70 करोड़ रुपए के बंगला बनाने का जो निर्णय लिया है उससे निश्चित रूप से उनकी विकासशीलता को कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। राज्य सरकार को गरीब कल्याण योजनाओं में अपने खर्च बढ़ाने चाहिए थे, जबकि राज्य सरकार अपने मंत्रियों को 5 स्टार वाली सुविधा वाले बंगले देना चाहती है। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा है कि आदिवासी मूलवासी और गरीब जनता के हित की बात करने वाली हेमंत सोरेन सरकार की यही असलियत है जो बंगले के रूप में परिलक्षित हो रही है। मुखर संवाद के लिए आशुतोष रंजन की रिपोर्ट। देखिए, कोरोना काल में जब हेमंत सोरेन सरकार हर मुद्दे पे फंड की कमी का रोना रोती है, तो वहीं दूसरी ओर उसने अपने 11 मंत्रियों के लिए 11 बंगले के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित करके अपनी सोच दिखा दी है। और ये सारे बंगले जो है ये 5 स्टार सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे और इसमें विलासिता के सारे साधन उपलब्ध होंगे। तो आप इस सरकार की सोच देख सकते हैं, कहां ये अपने आप को आदिवासी मूलवासी और गरीबों की सरकार होने का दावा करती थी और कहां ये अपने मंत्रियों के लिए 5 स्टार सुविधाएं वाले बंगले बना रही है। और इससे सबसे शर्मनाक बात है कि ये बंगले उस स्थल पर बन रहे हैं जो स्किल डेवलपमेंट पार्क के लिए चिन्हित था, जहां से युवाओं का स्किल डेवलप करके उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। लेकिन अब उनसे वो हक भी छीन लिया गया, स्किल डेवलपमेंट पार्क की जगह ये विलासिता से परिपूर्ण बंगले बनेंगे। और इस सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, इन्हें मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार करना था, इन्हें गरीब कल्याण योजना पर ज्यादा खर्च करने पर विचार करना था, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करना था। लेकिन इस सरकार की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ये सारी चीजें नहीं है। उन्हें तो अपने मंत्रियों के लिए और अपने लिए सुख सुविधाओं से परिपूर्ण पूरा सिस्टम चाहिए। अब कोरोना के पीक के समय में 80 लाख की BMW गाड़ी मुख्यमंत्री जी के लिए आ जाती है, 70 करोड़ के बंगले की स्वीकृति हो जाती है मंत्रियों के लिए, तो इस सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट है। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।